है कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है, और इतना ही फर्क होता है कि यही डायलॉग था कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है कि आप फर्ज को फर्ज हैं या फर्जी हैं, ये आपको पता लग जाता है। और दूसरा ये है कि जो परेश रावल जी फिल्म में बेहद वेटरन कलाकार, उनकी लाइन है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। क्या बात है राव साहब, आप भी इस बात से, इस डायलॉग से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि नया हिंदुस्तान है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान को वो झटका दिया जो वाकई पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा? अनुराग जी, मैं एक ऐसे एरिया से आता हूं जहां के लोगों ने 1962 की लड़ाई में जांगला की लड़ाई लड़ी थी, 114 लोगों ने 1300 लोगों को मारा था। मैं उस रेजिमेंट से भी आता हूं, और मैं उस एरिया से आता हूं जहां से विक्की कौशल की मूवी के जो रियल हीरो थे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कपिल यादव, वो मेरे परिवार से, ये मेरे फ्रेंड के बेटे हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि यस, युवाओं के लिए ये बहुत एक इंस्पिरेशनल मूवी होगी, इससे युवा इंस्पायर होंगे आर्मी में जाने के लिए। बॉर्डर बनी थी, पलटन पीछे कुछ दिन पहले आई थी, और जो आपने पूछा रियल हिंदुस्तान, यस, हमारी आर्मी दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी है, और मैं कहता हूं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया था, जो कमांडोज थे हमारे, वो हर शहीद भगत सिंह का रोल प्ले किया उन्होंने। दे नेवर थॉट कि दे विल बी कमिंग बैक, बट दे डिड नॉट माइंड इट, दे आर जस्ट प्रिपेयर्ड टू फेस एनीथिंग व्हाट दे कम केम अक्रॉस।